अब बात करें उस पॉलिटिकल डेवलपमेंट की, यह तस्वीर देखिए जरा एक बार। यह इंटरेस्टिंग तस्वीर शायद हमें कल देखने को मिले। यह एक इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल डेवलपमेंट है जिस पर देश के हर सियासी दल की नजर टिकी हुई है। सवाल है कि 30 दिन के विराम के बाद महाराष्ट्र की सियासत में क्या नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। 2 जुलाई को महाराष्ट्र के जिस नाटक ने राजनीति का रुख मोड़ दिया था, ऐसा लग रहा है कि उसका अगला दृश्य और रोमांचक होने वाला है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार एक मंच पर होंगे। पुणे के एसपी कॉलेज में प्रधानमंत्री मोदी का एक कार्यक्रम है जिसमें उन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट शरद पवार हैं, उन्हीं के हाथों प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार दिया जाएगा। एनसीपी में टूट के बाद यह पहला मौका है जब शरद पवार और प्रधानमंत्री मोदी एक मंच पर दिखेंगे। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अलावा दोनों डिप्टी सीएम अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहेंगे। यही वो बात है जिसने विपक्षी दलों के लिए अलायंस इंडिया की बेचैनी बढ़ा दी, वो भी ऐसे वक्त में जब मुंबई में इंडिया गठबंधन की 3री बैठक की तैयारी चल रही है। विपक्षी खेमे के नेता शरद पवार के प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर जाने के खिलाफ दिख रहे हैं। शिवसेना उद्धव के नेता संजय राउत ने कहा है कि हम पवार को सलाह नहीं देंगे, लेकिन उनके फैसले से लोग असहज हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने और तीखी बात कही। उन्होंने कहा कि शरद पवार का यह फैसला साफ संकेत है कि अजीत पवार की बगावत को उनका समर्थन प्राप्त है। यह बात विपक्षी दलों को कई दिन से परेशान कर रही है। शुक्रवार को विपक्षी नेताओं की मीटिंग में भी यही मुद्दा उठा। विपक्षी नेताओं ने पवार के कार्यक्रम में जाने पर चिंता जताई। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिस दिन सदन में दिल्ली अध्यादेश पर विधेयक आता है, अगर उस दिन पवार संसद में इंडिया के साथ दिखने के बजाय प्रधानमंत्री को अवार्ड देते नजर आएंगे, तो इससे विपक्षी एकता पर सवाल खड़े होंगे। आम आदमी पार्टी सहित विपक्ष के कई दलों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को शरद पवार से बात करने को कहा। पवार के मोदी के साथ मंच साझा करने पर विपक्ष के अंदर किस तरह घमासान मचा है, आपको एक रील के जरिए दिखाते हैं। दुर्गे स्व राज्य निर्माण करने जिसमें खुद का स्व है, बस मी है, मैं हूँ, मेरी गारंटी है, तो वो सोचने से ये तिलक जी के सम्मान के जो पुरस्कार दे रहे हैं वो पुरस्कार आपके हाथ से देना नहीं देना वो तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कह रही है कि शरद पवार साहब को स्टेज शेयर नहीं करना चाहिए, इसलिए अभी हम लोग इंडिया है तो वो सोचना चाहिए। देखिए ये जो प्रोग्राम तय हुआ था ये सब पार्टी में भी ये सब हमारा कोलाहल हुआ उसके पहले तय हुआ था। पवार साहब एक स्टेट्समैन है और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम में प्रेजेंट रहने का एक्सेप्ट किया है, तो इट डजंट लुक नाइस कि अभी वो ना जाए। जब तक अस्पष्ट ना हो जाए तो कोई भी बात कहना मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि गठबंधन में खलबली मची हुई है, हम लोग सब स्थिर हैं और हम लोग सब जानते हैं कि राजनीति से ऊपर भी कुछ कार्यक्रम होते हैं जिसमें उनका शामिल होना जरूरी है। आम आदमी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों को चाहते हैं शरद पवार उस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्टेज शेयर ना करें, वो तो चाहते हैं, लेकिन दिस प्रोग्राम हैज बीन डिसाइडेड मच बिफोर, अभी नहीं हुआ है। ये विपक्षी दलों के नेताओं के कहने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने शरद पवार से बातचीत की है। टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार विक्रांत ने बताया कि शरद पवार ने खड़गे से कहा कि यह कार्यक्रम 4-5 महीने पहले तय हो गया था, तब उन्होंने इसे लेकर अपनी सहमति दी थी। पवार की तरफ से कहा गया है कि यह कार्यक्रम गैर राजनीतिक है और महाराष्ट्र की महान विभूति लोकमान्य तिलक से जुड़ा है, ऐसे में अपने पहले के कमिटमेंट से पीछे हटना ठीक नहीं रहेगा। विपक्षी दलों की चिंता दिल्ली मामले पर पेश होने वाले विधेयक को लेकर है। कई पार्टियों को लगता है कि ऐसे वक्त में सीनियर पवार का प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहना गलत मैसेज देगा। टीवी 9 संवाददाता कुमार विक्रांत ने बताया कि इसे लेकर भी शरद पवार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कह दिया है कि अगर कल बिल पर वोटिंग होती है तो वो वोटिंग के लिए पहुंच जाएंगे।